हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कर रही हूँ ब्राइडल मेकअप लुक, शादी के बाद दुल्हन मेकअप कैसे करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। और सबसे पहले मैंने लगा लिया है टोनर फेस में, ममाअर्थ का टोनर लगाया मैंने। देन इसके बाद आप लगा सकते हैं सीरम, आपके पास है तो सीरम लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया मॉइस्चराइजर, तो आपके पास जो स्किन के आपको सूट करता हो वो आप मॉइस्चराइजर ले लीजिए। देन इसके बाद मैंने ले लिया मेबलिन का फाउंडेशन, तो ये मेरा थोड़ा डार्क शेड था और एक मेरे पास लाइट शेड था, तो दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है, तो वो मेरे स्किन टोन का जो शेड है वो बन गया है। तो इस तरह डैब डैब करके आपको अप्लाई कर लेना है। देन इसके बाद आपको एक, आपके पास अगर फाउंडेशन ब्रश है तो आप वो ले सकते हैं ब्लेंड करने के लिए, अदरवाइज आप ले सकते हैं ब्यूटी ब्लेंडर। आप उसको थोड़ा सा वाटर पे भिगो लीजिए, निचोड़ दीजिए उसका पूरा पानी। देन उसके बाद आप डैब डैब करके आप ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरह से आप फाउंडेशन को लगा सकते हैं। और आप नेक में लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए फ्रेंड्स, ईयर और नेक पे ज़रूर अप्लाई करिए। और आपको जब भी ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को ब्लेंड करना है तो आपको डैप डैप करना है, ना कि उसको आप ज़्यादा प्रेशर देके आपको नहीं करना है। और इस तरह से आपको अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर लेना, नेक और ईयर पे। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो फाउंडेशन है वो भी कितने अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो इसके बाद मैं लूँगी आईब्रो पेंसिल, मैं ब्राउन आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ। ब्राउन आईब्रो पेंसिल से हमारा जो मेकअप लुक है बहुत ही नेचुरल सा आता है। देख सकते हैं आप, इस तरह से मैं आईब्रो को फिल कर लूँगी। और इस पुली की हेल्प से उसको, जो मैंने ब्रोच पे पेंसिल लगाई है, उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। देन इसके बाद मैं ले रही हूँ शुगर का कंसीलर है मेरे पास, वो अप्लाई करूँगी। तो इस तरह से आपको जहाँ जहाँ पे लगता है ब्रोच के पास एंड डार्क सर्कल पे और लिप्स के पास, जहाँ पे आपको लगता है हल्का ब्लैक है, वहाँ पर आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा जो कंसीलर है वो भी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, मैंने दूसरा यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज किया है। और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आता है, मैंने बहुत सोच के बनाया कि नहीं इस टॉपिक में भी बनाना चाहिए मुझे, तो अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है शैडो पैलेट, और यहाँ पे मैं एक शेड लूँगी जो मेरे साड़ी की मैचिंग का है, तो लाइट कलर का शेड चाहिए था मुझे, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है और उसको अप्लाई कर लूँगी आई पे। तो एक आपको ब्रश ले लेना है, ब्रश की हेल्प से इस तरह से आपको, ब्रश को क्या है, जब हम ब्रोच पे लगाते हैं, शैडो को लगाते हैं आईलेट पे, तो आपको दूर से ब्रश को पकड़ना है, ना कि बहुत पास से। जब दूर से आप ब्रश को पकड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप ब्लेंड कर पाएंगे शैडो को, जो हमारी हैशटैग लाइन है वो नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आपको दूर से पकड़ना है, जितना दूर से पकड़ेंगे उतना ही अच्छा आपका शैडो ब्लेंड होगा। तो देख सकते हैं मैं काफ़ी दूर से पकड़ के ब्रश से फिर अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से आपको ले लेना है। मैंने यहाँ पर ले लिया है सेकेंड सेट जो लिया है, मैंने यहाँ पर पिंक कलर लिया है मैं अपनी ब्लाउज के मैचिंग का, तो इस तरह से मैं अप्लाई कर लूँगी। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे लैसेस नहीं लगाऊंगी क्योंकि ब्राइडल मतलब आफ्टर मैरिज के बाद का मेकअप है, तो वो लैसेस तो लगा के नहीं बैठ सकते, इसलिए मैंने लैसेस नहीं लगाया। बट मस्कारा जो लगाया था वो अच्छे से आप लगा सकते हैं, जो आई कर्ल लैसेस आता है उसे कर्ल कर लीजिए, फिर इसके बाद मस्कारा लगाइए, तो इस तरह से आपकी जो लैसेस हैं वो काफ़ी अच्छी दिखने लगती हैं। देख सकते हैं मैं पिंक जो शेड है मेरा वो भी अप्लाई कर लिया मैंने आई पे। अच्छा, जो मेरा काजल और लैश, काजल मस्कारा और लाइनर का जो वीडियो था वो मेरा स्किप हो गया क्योंकि कैमरा मेरा ऑफ हो गया था, तो वो मैं आप लोग को सॉरी नहीं दिखा पाऊँगी। और अगर आप लोग को देखना है तो या मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी दूसरा वीडियो, या आप मेरे ओल्ड वीडियो पर भी जाकर देख सकते हैं। और भी इसके मैंने मेकअप
पार्टी मेकअप लुक जो मैंने किया है तो आप देख सकते हैं। तो वो कैमरा मेरा ऑफ हो गया था तो इसलिए मैं उसमें नहीं दिखा पाई हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ कंटोरिंग स्टिक है मेरे पास, इसमें 2-in-1 है और इसमें हाइलाइटर भी है और कंटोरिंग भी है। ये है लिपस्टिक है मेरे पास पिंक शेड पे, और ये मेबलिन की बहुत अच्छा कलर इसका बहुत ही अच्छा है, शेड भी बहुत अच्छा है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर जो आया है इसका। इस तरह से मैं अप्लाई कर लूँगी। आपके पास अगर आपको लिपस्टिक लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप लिप लाइनर ले लीजिए, लिप लाइनर लगाइए इसके बाद लिपस्टिक यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगा लिया हाइलाइटर, हाइलाइटर भी मैंने स्टिक से लगाया है और यहाँ पे ब्लश भी मैंने लगा लिया है। इसके बाद हो गया है मेरा मेकअप कंप्लीट, और मैंने इयर रिंग पहने थे और इसके बाद छोटू सा मंगल सूट डाला मैंने और कुछ भी नहीं मेकअप में। ये आफ्टर मैरिज ब्राइड मेकअप लुक किया है मैंने। आप पार्टी में भी कहीं जा रहे हैं तो इस तरह से आप तैयार हो सकते हैं, बहुत ही अच्छा जो फाइनल लुक आता है काफ़ी अच्छा आता है। लाइट मेकअप लुक है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है कुछ भी, तो आराम से आप क्रिएट कर सकते हैं कहीं भी आने जाने या फंक्शन में, छोटे मोटे फंक्शन में इस तरह से आप रेडी हो सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, कमेंट करिएगा मुझे आप लोग को कैसा लगा मेरा मेकअप लुक। बाय गाइज़।